भूतिया सड़क। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। उस वक्त दक्ष अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है तो वो देखता है कि 11 बजने वाले हैं और वह बोलता है, ओह नो, 11 बज गए। मुझे काम करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। अब मुझे जल्दी ऑफिस से निकलना चाहिए, नहीं तो घर पर माँ बहुत डांटेगी और बोलेगी आज फिर से लेट हो गया। इतना बोलकर वो ऑफिस से निकलता है और अपनी कार स्टार्ट कर सड़क से जाने लगता है। तभी वो मन ही मन सोचकर बोलता है, जिस रास्ते से मैं जाता हूँ उस रास्ते से मुझे घर जाने में 2 घंटे लगते हैं, तो क्यों ना मैं उस जंगल के गुफा वाली सड़क से घर जाऊँ। इसे मैं घर भी जल्दी पहुँच जाऊंगा और माँ की डांट भी नहीं खानी पड़ेगी। इतना सोचकर दक्ष अपनी कार को जंगल वाले सड़क पर मोड़ देता है और म्यूजिक ऑन करके कार चलाने लगता है। और जैसे ही उसकी कार गुफा में पहुंचती है, कार बंद हो जाती है। कार को बंद होता देख दक्ष बोलता है, अरे ये कार अचानक से बंद कैसे हो गई? चलो उतर कर देखता हूँ। इतना बोलकर वो कार से नीचे उतरता है और अपनी कार का बोनट खोलकर देखने लगता है कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। तो वो पीछे पलट कर देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जिसके बाद वो कार का बोनट बंद करने लगता है, तभी वह अपने सामने एक भूत को देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और डरते हुए बोलता है, तुम भूत हो? हाँ मैं भूत हूँ और अब मैं तुझे मार कर खाने वाला हूँ। भूत की ये बात सुनकर दक्ष बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी भूत उसे पकड़ता है और उसे मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर उसे खा जाता है। ऐसे ही हर रात जो भी उस गुफा वाले सड़क के रास्ते से गुजरता वो भूत उसे मार दिया करता था। लेकिन एक बार की बात है, ऋषभ का पूरा परिवार कार में बैठकर उसी रास्ते से गांव से शहर जा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी नताशा उससे बोलती है, ऋषभ जी ये रास्ता कितना वीरान लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ से कभी कोई इंसान गुजरा ही ना हो। जरा देखो तो कितना सन्नाटा है चारों ओर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऋषभ जी आप गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए। नताशा तुम तो खामखा इतना डर रही हो, एक पंडित होकर तुम ऐसी बातें कर रही हो जबकि तुम खुद दिन रात भगवान की पूजा पाठ करती हो, और वैसे भी बाबूजी भी तो हमारे साथ ही है ना। दोनों की बात सुनकर ऋषभ के पिता लक्ष्मण प्रसाद नताशा से बोलते हैं, नताशा बहू अगर तुम्हें ज्यादा ही डर लग रहा है तो तुम ओम का जाप करना शुरू कर दो। ठीक है बाबूजी। इसी बीच ऋषभ की कार उस सड़क के गुफा के अंदर पहुंच जाती है। उस गुफा में कार सीधा चल ही रही होती है कि तभी उनके सामने अचानक से एक भूत आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ऋषभ फौरन अपनी कार रोक देता है। तभी भूत बोलता है, आखिर कब से मैं अपने शिकार का इंतजार कर रहा था और आज जाकर मुझे मेरा शिकार मिल ही गया। बहुत तड़पाया है तुम लोगों ने मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, अब तड़पने की बारी तुम्हारी है, अब मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। इतना बोलकर भूत ऋषभ की कार को उठाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी कार को छूता है उसे जोर का झटका लगता है और वह दूर जाकर गिरता है और बोलता है, मुझे ये झटका कैसा लगा? आखिर कौन हो तुम लोग? मुझे नहीं लगता कि तुम एक आम इंसान हो। भूत की ये बात सुनकर लक्ष्मण प्रसाद कार से नीचे उतरता है और भूत से बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, हम एक ब्राह्मण लोग हैं और तुम हमें इसलिए नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हमारे पास देवी माँ की तिलिस्मी मूर्ति है और हम हर वक्त उनकी आराधना करते हैं और इस वक्त वही हमारी रक्षा कर रही हैं। लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम हमें मारना क्यों चाहते हो? ये मेरी सड़क है और जो भी यहाँ आने की गलती करता है वो मेरे हाथों मारा जाता है और तुम सभी ने यहाँ आने की गलती की है, इसलिए अब तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। क्योंकि यहाँ आने वाला एक भी इंसान यहाँ से जिंदा लौटकर वापस नहीं जाता और ना ही उनका कोई नामो निशान मिलता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही भूत लक्ष्मण प्रसाद पर हमला करने वाला होता है तभी लक्ष्मण प्रसाद मंत्र पढ़ने लगते हैं और मंत्रों की आवाज सुनकर भूत तड़पने लगता है और तड़पते हुए उससे बोलता है, ये मंत्र पढ़ना बंद कर दे, नहीं तो तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं उनका वो हाल करूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता, मेरी शक्तियों के आगे तेरे भगवान की भी नहीं चलेगी। अपनी काली शक्तियों पर ज्यादा घमंड न कर, रुक मैं तेरे इस घमंड को अभी तोड़ता हूँ। जिसके बाद लक्ष्मण प्रसाद भूत के ऊपर भभूति फेंक देते हैं
जिससे वो और भी ज्यादा तड़पने लगता है। तड़पते हुए बोलता है, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं करूंगा, चले जाओ तुम लोग यहाँ से। तुम वैसे भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ से आने जाने वाले मुसाफिरों को क्यों मारते हो? उसके लिए तुम्हें मेरी पूरी कहानी सुननी होगी। इतना बोलकर भूत लक्ष्मण प्रसाद को अपनी आप बीती बताने लगता है। मेरा नाम राजीव था और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक दिन इसी रास्ते से अपने बाइक से घर जा रहा था, तभी मुझे यहाँ कुछ गुंडे रोक लेते हैं और मुझसे बोलते हैं, ओए हैंडसम, तेरे पास जितने भी पैसे हैं सब निकाल कर यहाँ रख दे, नहीं तो बिन मौत हमारे हाथों मारा जाएगा। सरदार जो कह रहे हैं चुपचाप से वही कर, नहीं तो अभी इसी चाकू में तेरा काम तमाम कर दूंगा। राजीव उनकी बातें सुनकर डर जाता है और उनसे बोलता है, ये लो सारे पैसे और मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो उसे जाने देते हैं। तभी उसकी माँ का फोन आता है और वो लोग फोन देख लेते हैं। तभी उनका दूसरा साथी उससे बोलता है, सरदार से चालाकी, अभी तो तूने बोला कि तेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर ये फोन कहाँ से आया? मेरे पास बस यही फोन है, प्लीज तुम इसे मत लो। लेकिन वो लोग उसकी एक भी बात नहीं मानते और उससे फोन छीनने लगते हैं। राजीव भी अपने फोन को बचाने की कोशिश करता है और इसी बीच राका चाकू से उसका गला काट देता है और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर इधर उधर फेंक देते हैं। और तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और लोगों को मार रही है, क्या आप मुझे मुक्ति दिला सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे मारकर उन लोगों ने मेरी लाश को इधर उधर फेंक दिया था, बस आपको मेरे शरीर के कंकाल को इकट्ठा करके उन्हें जलाना होगा, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। जिसके बाद भूत लक्ष्मण प्रसाद को बताते जाता और लक्ष्मण प्रसाद उसके बताए हुए जगह पर गड्ढा कर उसके शरीर के कंकालों को निकालता है और फिर सभी को इकट्ठा कर जला देता है। कंकाल के जलते ही भूत भी खत्म हो जाता है और भूतिया सड़क उस भूत के आतंक से मुक्त हो जाता है, जिसके बाद लक्ष्मण प्रसाद का पूरा परिवार सुरक्षित अपने घर पहुंच जाता है। Oh, my God.